चलो आज इस डिबेट को खत्म करते हैं और देखते हैं कौन सा ज्यादा पावरफुल डिवाइस है, Samsung Galaxy S24 with Exynos 2400 चिपसेट या फिर Apple का iPhone 15 with A16 Bionic चिप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों का स्पीड टेस्ट एंड साथ ही साथ इन दोनों की परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन विनर निकल के आता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस को बूट अप करके देखते हैं कौन सा फोन पहले स्टार्ट होता है। एंड लेट्स स्टार्ट 3, 2 एंड 1। एंड यहाँ पे एकदम माइक्रो सेकेंड से एप्पल विनर हो जाता है। यूजुअली देखोगे तो दोनों सेम ही है, लेकिन क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं तो यहाँ पे एप्पल विनर हो जाता है, तो एक पॉइंट जाता है एप्पल को। अब टेस्ट करते वक्त हम साइड बाय साइड ऐप ओपनिंग भी करते जाएंगे। सबसे पहले ओपन करते हैं इसका एप स्टोर एंड प्ले स्टोर। अब यहाँ पे स्लाइटली मार्जिन से आगे हो जाता है सैमसंग S24, तो एक पॉइंट जाता है सैमसंग की तरफ पे। भाई यहाँ तो अभी से टाई हो गया है, लेकिन रुक जाओ अभी मेन टेस्ट बाकी है। इसके बाद ओपन करते हैं कैलेंडर, दोनों ने साथ में किया। फोटोज, ये भी दोनों ने साथ में ओपन किया। अब ओपन किया कैमरा, एंड यहाँ पे आईफोन स्लाइटली फास्टर ओपन करता है। एंड यहाँ पे आपको दिख गया होगा ये सब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये मेरे टीम मेंबर ने लिए है शॉट्स। इसके बाद ओपन करते हैं इनके डिफॉल्ट ब्राउजर जो कि पहले ओपन किए सैमसंग ने। नेक्स्ट ओपन करते हैं सेटिंग्स, एंड दोनों ने साथ में ओपन किया। देन अब ओपन करते हैं मैप्स, एंड ये भी दोनों ने साथ में ओपन किया। अब ओपन करते हैं गूगल क्रोम जो कि पहले लोडिंग कंप्लीट करी आईफोन ने। देन इसके बाद ओपन करते हैं स्पॉटिफाई, अगेन आईफोन यहाँ पे विनर हो जाता है। तो भाई फिलहाल अगर यहाँ पे स्कोर्स देखें तो आईफोन अभी लीड पकड़ चुका है, लेकिन अब करते हैं दोनों के अंदर वीडियो एडिटिंग यानी कि वीडियो रेंडरिंग। तो यहाँ पे हमने दोनों ही फोन्स के VN एडिटर के अंदर सेम वीडियो क्लिप को डाला हुआ है, एंड चलो अब इसको रेंडर करते हैं। एंड यहाँ पे हमने एक्जैक्टली सेम सेटिंग्स पे ही दोनों को रेंडर किया है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो भाई दोनों ने लगभग साथ ही में 100% किया, लेकिन आईफोन ऑलरेडी उसको डन कर चुका था, लेकिन सैमसंग ने पता नहीं क्यों यहाँ पे इतना टाइम लगाया इसको ओवरऑल कंप्लीट करने में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगेन आईफोन विनर हो जाता है। अब हम करने वाले हैं सबसे खतरनाक टेस्ट यानी कि 3D मार्क। कंप्लीट होने में काफी सारा टाइम लगा, एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सैमसंग ने काफी पहले कंप्लीट कर लिया था एप्पल से। एंड अगर स्कोर्स की बात करूं तो वहां पे भी भाई एप्पल को बीट कर देता है सैमसंग S24। ओवरऑल स्कोर था 3769, वहीं एप्पल का स्कोर था 2881। तो भाई एक पॉइंट जाता है सैमसंग S24 को। इसके बाद हमने किया इन दोनों के अंदर गीकबेंच टेस्ट, एंड यहाँ पे भाई काफी सारा टाइम लगा दोनों में ही। और अगर यहाँ पे मैं स्कोर्स की बात करूं तो एप्पल ने पहले कंप्लीट किया एंड स्कोर किया 2544, एंड मल्टीकोर में स्कोर किया 6307, वहीं सैमसंग S24 ने स्कोर किया 1974 एंड मल्टीकोर में 6249। तो भाई यहाँ पे स्कोर्स के मामले में भी विनर हो जाता है आईफोन 15। लेकिन यहाँ पे साइड बाय साइड हमने एक टेस्ट और किया। इन दोनों ही फोन्स को हमने 100% पे चार्ज किया हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने पहला टेस्ट किया यानी कि इन दोनों को बूट अप किया, सैमसंग की बैटरी ऑलरेडी 99% पे आ चुकी थी। और वहीं जब सारे टेस्ट वगैरह हमने सब कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद जो बैटरी रिजल्ट थे हमारे पास वो था एप्पल आईफोन 15 था 96% पे, यानी कि 4% का ड्रॉप मिला यहाँ पे। वहीं सैमसंग S24 था 94% पे, यानी कि अराउंड 6% बैटरी डाउन हो चुकी थी S24 की। तो भाई यहाँ पे बैटरी के मामले में अगेन एक और पॉइंट ले जाता है आईफोन 15। एंड यहाँ पे अगर टोटल स्कोर्स देखें तो भाई यहाँ पे सैमसंग S24 का स्कोर था 3 पॉइंट्स, वहीं आईफोन का स्कोर था 7 पॉइंट्स। तो भाई यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है, अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं, दोनों को परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर कंपेयर करते हो तो विनर कौन है आपको पता है। सो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप यू पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर देना, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से छोड़ देना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।